नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। दोस्तों आप जैसा कि देख ही रहे होंगे हमारे चैनल पे अभी इंडियन फूड हिस्ट्री से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज की हमारी डिश आई है साउथ इंडिया से और उसका नाम है इडली। दोस्तों इडली आज भारत के हर घर में खाई जाती है बड़े ही प्यार से। इसे आप नाश्ते के रूप में भी खा सकते हो या आप चाहो तो इसे मेन कोर्स के रूप में भी खा सकते हो, ये आपको कभी निराश नहीं करेगी। दोस्तों इडली को आज जिस तरह से बनाया जाता है उसमें उड़द की दाल तथा चावल को अच्छे से भिगोया जाता है। भीगने के बाद इसका बारीक महीन घोल बना लिया जाता है, जिसे 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है। एक बार अच्छे से फर्मेंट हो जाने के बाद इसे स्टीमर में डाल के अच्छे से बाफ लिया जाता है। अब दोस्तों इस तरह से हमारी इडली तैयार हो जाती है। अब इसे खाने के लिए तुअर की दाल की सांभर तथा नारियल की चटनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पर हमेशा से इडली इस तरह से नहीं बनाई जाती थी, इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इडली के इतिहास में। तो चलिए देखते हैं। तो इडली का सबसे पुराना उल्लेख हमें 1920 में छठी से नवीं शताब्दी के बीच की जानकारी देने वाले शिवकोटिचार्य द्वारा लिखे कन्नड़ ग्रंथ वड्डराधने में मिलता है, जिसमें इडली को इड्डालिगे कह के संबोधित किया गया है। इस ग्रंथ में इड्डालिगे यानी इडली की रेसिपी में सिर्फ उड़द की दाल का प्रयोग किया गया है। वड्डराधने ग्रंथ एक जैन धर्म से संबंध रखने वाला ग्रंथ है। इडली को बनाने की पूर्ण विधि का उल्लेख हमें 1025 में श्री चिवुंदराया द्वारा लिखे गए कन्नड़ इंसाइक्लोपीडिया लोकपाकरा में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इडली को बनाने के लिए उड़द की दाल को बटर मिल्क यानी छाछ में भिगोया जाता है। फिर इसे अच्छा पीसकर इसमें दही का साफ किया हुआ पानी, जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर तथा हींग मिलाकर इसे पकाया जाता है। दोस्तों इस विधि में कहीं पर भी चावल तथा इस घोल को फर्मेंट यानी खमीर उठाने का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। 12वीं शताब्दी के कन्नड़ा राजा सोमेश्वरा के समय हमें इडली का उल्लेख उस समय के संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया मंसोलस्सा में इड्डारिका नाम से मिलता है। बिना चावल तथा बिना खमीर उठाई गई इस इडली को आज कर्नाटका में उड्डीना इडली के नाम से जाना जाता है। फिर कहीं 1250 में जाकर हमें रेसिपी बुक्स में चावल तथा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य के अनुसार इडली को बनाने की यह रेसिपी इंडोनेशिया से 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में आई गई थी। दोस्तों उस समय का इंडोनेशिया आज के इंडोनेशिया से बिल्कुल अलग था। उस समय इंडोनेशिया में हिंदू राजाओं का राज था तथा उनके दक्षिण भारत से काफ़ी अच्छे संबंध थे। वहाँ के राजाओं तथा व्यापारियों का दक्षिण भारत में आना जाना लगा था। इनके आपस में बीच में वैवाहिक संबंध भी थे। दोस्तों तो अब ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया में उस समय चावल को फर्मेंट करके बनाई जाने वाली एक डिश थी के इडली। इडली से मिलता जुलता नाम है ना, के इडली। यह हमारे इडली को बनाने की प्रेरणा बनी, ऐसा कहना है केटी आचार्य जी का। परंतु आज हमें इंडोनेशिया में के इडली नाम की कोई डिश नहीं मिली। मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया इस बारे में। दोस्तों पर यहाँ पे भी इडली की कहानी ख़त्म नहीं होती है। इडली की कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है जब गुजराती फूड हिस्टोरियन इस बात का क्लेम करते हैं कि इडली की उत्पत्ति गुजराती डिश ढोकला से हुई है। अब दोस्तों जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो जो कि मैंने ढोकले के ऊपर बनाया था उसमें मैंने यही बताया था कि पुराने ज़माने में ढोकला जो बनाया जाता था उसमें सिर्फ उड़द की दाल और चावल को लेकर उसे अच्छा सा घोल बनाकर बिना फर्मेंट किए ही उसे पकाया जाता था, यानी कि सेम इडली की रेसिपी की तरह अगर इसमें से चावल को हटा लिया जाए तो। उनका ये क्लेम कुछ हद तक सही भी बैठता है क्योंकि गुजराती ग्रंथ वर्ण का समुच्चया में इडली को इडारी कह के संबोधित किया गया है, जो कि लोकल शब्द इडाडा से प्रभावित है। अब ये इडाडा मैंने आपको बताया था कि इडाडा एक तरह का ढोकला ही होता है, जो कि उड़द की दाल का एक नॉन फर्मेंटेड वर्जन है ढोकले का। तो दोस्तों ये काफ़ी कहानी इसकी ट्विस्ट एंड टर्न ले रही है। दिखने में इतनी सिंपल लगने वाली हमारी इडली, इसकी कहानी तो जलेबी से भी ज़्यादा उलझी हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है कि इडली का सबसे पुराना उल्लेख हमें जैन धर्म ग्रंथों में मिलता है तथा ढोकले का भी सबसे पुराना उल्लेख हमें लगभग उसी समय के जैन ग्रंथों में मिलता है। तो इन दोनों के मध्य ये काफ़ी
समानता है जो कि हमें इस बात के ऊपर इंगित करती है कि जरूर इनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जैन धर्मों में चीजों को फर्मेंट करना प्रतिबंधित है, और ऐसा नहीं था कि हमारे भारत के लोग फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि भारत में एल्कोहल तो बनता ही था। तो ये क्लेम काफी हद तक सही भी लगता है। और जहां तक बात रही इसे, ऐसा कहा जाता है कि भारत में उस समय कोई स्टीमर नहीं थे, यानी कि भोजन को पकाने के लिए जिस बर्तनों में भाप देके पकाया जाता है उस तरह के भारत में कोई बर्तन मौजूद नहीं थे। जब यहाँ पे एक चीनी यात्री आया था, उसने अपने वर्णनों में ये लिखा है। तो दोस्तों, पर ऐसा नहीं था कि भारत के लोगों को स्टीम देना नहीं आता था। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में पानी भर के उसके ऊपर केले के पत्ते के अंदर खाद्य पदार्थ जिसे चावल को पकाकर बनाए जाने की विधि का उल्लेख हमें पुराने समय के ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये क्लेम थोड़ा हमें अजीब लगता है कि इडली की उत्पत्ति इंडोनेशियन डिश केडली से हुई होगी। ये मेरा अपना खुद का मानना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सीधी सादी सिंपल सी इडली की कॉम्प्लिकेटेड कहानी। आशा करते हैं आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।